नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भिलवाड़ा लोकवाणी में। कोरोना संक्रमण जानलेवा बीमारी है, ये सब जानते हुए भी लोग अपनी व दूसरों की जान को खतरे में डाल रहे हैं। रविवार को बिना स्वीकृति के कचोरी व नमकीन बेचने और भीड़भाड़ का जमावड़ा लगाने पर 3 दुकानों पर रसद विभाग ने कार्रवाई करते हुए 5,000 रुपए का जुर्माना वसूला है। रसद विभाग के प्रवर्तन निरीक्षक अमरेंद्र मिश्रा ने बताया कि रविवार को मिली शिकायत पर टीम ने अजमेर रोड स्थित राधे चोरी वे धर्मेंद्र हलवाई की दुकान पर जांच की। इसके बाद वहां पर बिना अनुमति के भीड़ जमा थी, जिसे लेकर कचोरी बेची जा रही थी, इस मामले की जानकारी मिली है और इसी को लेकर उन पर कार्रवाई करते हुए जुर्माना वसूला गया है। देखिए भिलवाड़ा लोकवाणी की ये रिपोर्ट। कि आप लोगों को पता है कि अभी लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है पूरे शहर और पूरे जिले में, भिलवाड़ा जिले में बनी हुई है। खासकर भिलवाड़ा शहर में भी स्थिति अब थोड़ी सी ठीक हुई है, लेकिन अभी भी संक्रमण की स्थिति बहुत ही ख़राब है। वैसी स्थिति में प्रशासन की तरफ से ये निर्देश है कि कहीं भी वैसी चीज़ों का विक्रय नहीं किया जाए, वैसी चीज़ों को बेचा नहीं जाए जहाँ भीड़ लग जाए और संक्रमण की स्थिति बने। आज ये शिकायत मिली थी कि कई जगह कचौरी बना के बेचा जा रहा है, और आपको पता ही है कचौरी जहाँ भी बनती है और जहाँ भी पब्लिक आती है तो वहाँ भीड़ लगती है, और भीड़ लगने से संक्रमण की स्थिति बनती है। ऐसी स्थिति में हमने 3 जगह आज छापा मार के कार्रवाई की है। एक तो वर्धमान कॉलोनी में कार्रवाई की है, लक्ष्मी नमकीन भंडार। दूसरा एक ये धर्मेंद्र हलवाई के यूआईटी के पीछे, और तीसरा है ये राधे कचौड़ी। ये 3 जगह हमने कार्रवाई की है। तीनों जगह भीड़ थी, पब्लिक की भीड़ थी जहां संक्रमण की स्थिति बनी हुई थी, और तीनों जगह हमने 5,000 रुपये की पेनल्टी लगाई, और तीनों फर्मों को हमने ये पाबंद किया कि भविष्य में कभी भी वीकेंड में या जब तक सरकार ये अनुमति आपको प्रदान नहीं करे, प्रशासन अनुमति प्रदान नहीं करे, तब तक इस तरह की सामग्री का ना तो आप निर्माण करें ना उसका बेचान करें। अगर भविष्य में कभी भी बेचान किया जाएगा तो इनके आगे की कठोर कार्रवाई की जाएगी, जिसमें FIR तक की भी कार्रवाई की जा सकती है। फर्स्ट टाइम इनके यहाँ कार्रवाई की है, इन तीनों संस्थानों पर पहली बार कार्रवाई की है। अगर ये दोबारा ये इस चीज़ को, इस कृत्य को रिपीट करते हैं तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। स्टे अपडेटेड ऑलवेज विद भिलवाड़ा लोकवाणी न्यूज ऐप। हम लाते हैं ब्रेकिंग न्यूज आपके लिए हर दिन। कभी भी कहीं भी देखे ताजा खबरें आपके मोबाइल पर, देखे न्यूज वीडियोस किसी भी टाइम। हमारे साथ जुड़े रहे और डाउनलोड करें भिलवाड़ा लोकवाणी ऐप, अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर। डाउनलोड नाउ। और सब्सक्राइब करना ना भूले आपका अपना भिलवाड़ा लोकवाणी यूट्यूब चैनल।